100 किलो मतलब दो बोरियां जी, दो बोरियां। तो ये जो खाद आप लोगों ने कैसे डाली, पानी लगाया और साथ खाद डाली? जी ये गोडी की थी ना जी, ऐसा मतलब कि चार पासे डाली है उसने की तकरीबन मेरे ख्याल ना आई ज्यादा भी हुई थे, आधा आधा किलो तो कम ही आई होनी है। हाँ इतनी दूरी पाई है ये गोडी करके ना, इसको तकरीबन एक एक डेढ़ डेढ़ किलो तक खाद डालनी है। अच्छा एक तो डेढ़ किलो तक। हाँ जी। कौन कौन सी खाद है? नाइट्रोफॉस ही ज्यादा हम लोग रिकमेंड करते हैं बाग के लिए। और यह है कि एक बार जो है ना वो इसमें डीएपी भी डालें और पोटाशियम जरूर डालें, पोटाशियम वाली खाद एमओपी वो और एसओपी जी जी जी। उस पे बागात की वजह से गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी दी है, ठीक है। एक पे 500 है और एक पे 800 है, एक बोरी पे ना जी 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 सब्सिडी दी है। तो इसको पोटाश जरूर डालें, पोटाश से फल जो है ना वो खूबसूरत होता है, ठीक है। और उससे मिठास आती है, ठीक है। और दूसरा ये इसमें जो बाग में ज्यादा मसला आ रहा है ना वो फल की मक्खी का जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से हमारा जो फल अमरूद है ना जी जी, वो अब उसकी ब्रामदार भी नहीं हो रही बाहर के मुल्क में, नहीं हो रही। तो उसका ये आपने ये फंदा लगा हुआ है, लेकिन ये देखे इसमें पानी है। हाँ जी। तो ये किस चीज का पानी है? ये दवाई मिलाई सी मेरे ख्याल से, मेरे नहीं आ रहा, नुस्खा लिख के दिता सी कि बंदे ने बड़ी देर दी होंदी नहीं है। अच्छा ये यही आप लोगों ने गलत किया हुआ है, ठीक है। इसका जो बेहतरीन तरीका फल की मक्खी से जान छुड़ाने के लिए, एक तो ये है केरा हो जाता है ना जी जी, केरा बहुत ज्यादा हो जाता है, फल जब थोड़ा सा पकने के करीब आता है वो मक्खी हमला करती है और फल नरम हो जाता है और वो गिर जाता है। एक तो वो जो गिरा हुआ फल किसी भी तरह से गिर गया उसको आपने तलफ करना है, घड़ा खोद के उसमें दबा दें बाग से दूर थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप यही प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इसी से तकरीबन 40-50% जो है ना वो नुकसान कम होगा, ठीक है। और दूसरा ये तरीका ही आपने बोतल लगाई है जी जी। इसमें जो बीमारी वो दवाई इस्तेमाल करनी है उसका नाम है मिथाइल शुजिनाल, ठीक है। मिथाइल शुजिनाल बीमारी वो दवाई है, उस ये बीमारी जो दवाई है ना इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जहर नहीं होती। वैसे तो हम लोग जहरों का भरपूर स्प्रे करते हैं, उससे क्या है कि हमारे फल में भी उसके वो चले जाते हैं असरात, और जब हम खाते हैं तो वो हमारे अंदर जाते हैं, नुकसान भी जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक दवाई निकाली है मिथाइल शुजिनाल, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, बड़ा अच्छी हाँ। मिथाइल शुजिनाल और इसका महलूल आप लोग कैसे बनाना है, 300 मिलीलीटर जो है ना वो मिथाइल शुजिनाल लेनी है, ठीक है। और इसमें सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में 30 मिलीलीटर इतनी बनती है, ये दो तीन ढक्कन जी जी जी। वो मेलाथियन ये एक जहर है, इसमें जहर थोड़ा सा मिलाते हैं ताकि जो मक्खी है वो मिथाइल शुजिनाल को खाएगी तो साथ उसके जहर भी अंदर जाएगा और वो उसको खत्म कर देगी। जहर चूंकि बहुत कम मिकदार में डालना है तो वो मक्खी को खत्म करने के लिए ये अंदर नहीं जाएगा। और ये सिर्फ ये जो है ना फूंदा लगा हुआ अंदर नजर आ रहा है जी जी, ये आप बेशक धागे के साथ बांध देना, वैसे भी रख देंगे ना ये पानी नहीं हलना चाहिए इसके अंदर। अच्छा अच्छा तो ये जो फूंदा है ये उसमें वो महलूल जो बना के उसमें डुबो के इसमें रख देना है। और ये एक बार तो आपने रख दिया है लेकिन इसको रख के भूल नहीं जाना, 15 दिनों बाद उसको दोबारा उसी महलूल में डुबोना है, ठीक। फिर ही नतीज मिलेंगे। और अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे ये 100% रिजल्ट देता है, ठीक होगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये था उसकी नर मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, एक है मादा मक्खी को कंट्रोल करने के लिए वो है प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, वो भी मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। उसका आप लोगों ने महलूल, वो भी जरा थोड़ी महंगी दवाई है लेकिन इसमें ना गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जिनका 12 एकड़ से कम बाग है ना उनको सब्सिडी मिल रही है। अभी फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख मेरे ख्याल में 20 मार्च थी, पता नहीं आप लोगों ने कराए कि नहीं। हाँ तो अब ये महंगी दवाई जो है ना 1 लीटर तकरीबन 7-8 हजार तक की आती है, तो ये इस पे सब्सिडी मिल रही थी 50% तक, काफी ज्यादा सस्ती होके। तो वो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट है वो मादा मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी 300 मिलीलीटर आप लोगों ने ये लेना है प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, 30 मिलीलीटर मेलाथियन ये जहर है, और बाकी पानी डालना है 9660 ml, मतलब 10 लीटर का ये महलूल बनाना है, ठीक है। 10 लीटर पानी में 300 निकाल लेना, 330 निकाल लेना वो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट और वो डालनी है मेलाथियन। और उसका स्प्रे कैसे करना है आप लोगों ने, पौधे के सिर्फ 1 मुरब्बा मीटर पे, मतलब स्प्रे एक पौधे पे किया, अगला छोड़ा, फिर अगले पे किया, ठीक है।
फिर अगला थोड़ा अगले पे किया ऐसे करना है या ऐसे करना है एक साइड फुहारा मारे ना एक अगला छाड़ फिर अगला फुहारा मार या बल्कि आप लोग ऐसा करें ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ना बाहर के सारे पौधे इन पे हर हर पे करें बाहर वाली साइड पे कर लें ठीक है और सिर्फ करना ज्यादा नहीं करना पूरे पौधे पे इतना आप करते रहे बस वो थोड़ा सा ही हम लोग करते हैं सब लगे ठीक है और ये स्प्रे जो है ना वो 10 दिन के बाद आपने रिपीट करना है महीने में 3 बार ठीक है ये आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह इससे आपको वो जो फल लगेगा जितना भी लगेगा एक तो वो बहुत अच्छा होगा ठीक है और जो खाते हैं ना इसको वो टाइमली दिया करें और गोबर डाल दिया आप लोग इसमें पाया एक दो बार ही पाया नहीं गोबर भी गोबर जरूरी है इसके लिए 6 महीने पुराना गोबर इसमें जरूर डाला करें ठीक ताजा गोबर पुराना गोबर हो अगर आप लोग ताजा डालेंगे ना सब इसमें दीमक लग जाएगी जी ठीक और दिसंबर के महीने में ना कांट छांट जरूर करें पौधे की ये आप देखें ये इतनी ज्यादा इसमें वो है जिनको फल लगना ही नहीं है ये हमेशा नई शाख पे लगता है जो बल्कि एक्सपर्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं ये एक शाख निकली है ना इसको यहाँ से काट देते हैं इसके साथ से 2-3 निकलती है और उनपे पौधा लगता है ठीक, ठीक, ठीक। तो वो ऐसे करते हैं इसकी कांट छांट करें हाँ कांट छांट करने के बाद इसके ऊपर एक इंसेक्टीसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करना है उससे ये है कि बीमारी आने से पहले ही रोकथाम उसकी हो जाएगी बीमारी आएगी नहीं अमरूद बने पे पाइए या मसला नहीं पहले अमरूद बने पे भी डालें लेकिन इतनी नहीं देखो ना फल जड़ा ना जो ना लग रहे ना कली निकाल हाँ, ये अब डालें आप मार्च में डालनी थी खाद आप लोगों ने दरअसल अभी अप्रैल है चला डाल दे कोई मसला नहीं है ठीक है मार्च ठीक है नाइट्रोफास्ट पहले मार्च में पानी आएगी थी क्योंकि अंदर बूटे दे कुछ हो गया तो बाहर कर देगा काफी पौधे ने इस बाग मिस हो गए तजुर्बा नहीं है हाँ, तजुर्बा नहीं है ये आप लोग खाद भी डालते हैं लेकिन एक तो टाइम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को टाइम नहीं है टाइमिंग नहीं सेटल हो रही टाइम नहीं पता हाँ टाइमिंग नहीं सेटल हो रही चलो ये ना हम दोबारा आएंगे ना तो आप लोगों में पूरा स्केड्यूल आपको बना के दूंगी कि किस किस टाइम पे आपने कौन कौन सी खाद और कितनी अमाउंट में डालनी है 2 बोरी काफी है 100 किलो मसलन के एक नाइट्रोफास्ट एक हाँ, अब जो डालें हाँ तो उस तो बाद जितना मसलन के अमरूद बन जाएगा फिर पोटाश ते डीएपी लगा के पोटाश भी थोड़ी पहले ही डालें पोटाश थोड़ी थोड़ी डाल देना हर उसके साथ ही ठीक है पोटाश मन के 3 बोरियां लेनी है की ख्याल है नाइट्रोफास्ट पोटाश ते सोना यूरिया वो होनी फिर डाल देने ना तकरीबन नहीं 1 मिनट में आपको जरा ना इसका कंफर्म करके 110 बूटे है ना जी इस बाग दे 182 बूटा परले साइड ते है ठीक है मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा चलो ठीक है ਤੁਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜੀ ਪਾ ਲਓ ਦੀ ਬਾਅਦ ਪਾ ਲਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ